कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर परिवारों की पसंद बन जाते हैं। ये ब्रांड्स लगभग हर घर में मिल जाते हैं। ये ब्रांड्स लगभग हमारे बचपन का हिस्सा थे। मेरा मतलब लाइफ बॉय और कोलगेट से लेकर वेस्पा स्कूटर तक, इनके साथ बड़े होते होते हमने ये मान लिया कि ये सब भारतीय हैं। अपने देसी नाम के चलते और मनोरंजक एड्स के कारण इन्होंने अपने नाम में भारतीय टैग अर्जित किया। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें हम बचपन से भारतीय समझते आ रहे हैं, लेकिन असल में वो भारतीय नहीं है। शुरुआत सबसे पहले सबके पसंदीदा जूते के ब्रांड बाटा से करते हैं। प्रत्येक भारतीय का पसंदीदा फुटवेयर ब्रांड हर जगह फेमस है। जिन जूते चप्पलों को पहनकर हम बचपन में खेला करते थे, सबसे बड़े शहरों से छोटे छोटे शहरों तक हर जगह मिलने वाला बाटा ब्रांड। इसलिए हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में यह लोजेल स्विट्जरलैंड में इस ब्रांड का हेडक्वार्टर है और 1894 में जिलन मार्विया में कोरबलस के एक परिवार द्वारा इस ब्रांड को स्थापित किया गया था। हमारी लिस्ट में अगला नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में हिंदुस्तान लीवर का नाम बहुत आगे है। साबुन और डिटर्जेंट से लेकर कॉफी और आइसक्रीम तक सब यह कंपनी बनाती है और हम बड़े शौक से इसे इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी में हिंदुस्तान नाम होने के बावजूद यह कंपनी वास्तव में ब्रिटिश डच ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर जिस ब्रांड का नाम आता है उसे हम सभी बड़े शौक से यूज करते हैं। आपने आपके टूथपेस्ट में नमक है ये सब तो आपने सुना ही होगा। हमारे घर के हर सदस्य की पहली पसंद कोलगेट हर घर में पाए जाने वाले इस टूथपेस्ट में देसी भारतीय छवि है, लेकिन यह कोलगेट पामोलिव द्वारा निर्मित है जो एक अमेरिका की कंपनी है। जिस क्षण हम बूस्ट के बारे में सोचते हैं हमें युवा सचिन और उनका डायलॉग याद आता है, बूस्ट मेरी ऊर्जा का रहस्य है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस एक कप चॉकलेट के दूध के लिए हम स्कूल से जल्दी घर जाते थे, लेकिन हमारे माता पिता जितना हम पर विश्वास करते हैं उतना ब्रांड्स पर नहीं। बूस्ट असल में नेस्ले प्रोडक्ट है जो स्विट्जरलैंड का है। क्या आपको याद है कि पहली बार आपने जब पेंसिल से बॉल पॉइंट का उपयोग किया था वो कौन सा पेन था? मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि वो एक रेनॉल्ड का पेन ही होगा। रेनॉल्ड एक घरेलू नाम है, लेकिन क्या आप वास्तव में यह जानते हैं कि मिल्टन रेनॉल्ड जिन्होंने 1945 में यूएसए में पहली बार बॉल पॉइंट पेन का निर्माण किया था और फिर भारत की यात्रा करते हुए इस ब्रांड को भारत में लाया था। नंबर दो, जब भी हमें भूख लगती है और आप जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो हम सबके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो है मैगी। हर जगह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये मैगी हर जगह मिलती है। क्या आपको पता है कि ये भी भारतीय नहीं है? बूस्ट की तरह ही ये भी एक नेस्ले का प्रोडक्ट है जो स्विट्जरलैंड का है। और अंत में हमारी लिस्ट में हर परिवार का पसंदीदा साबुन लाइफबॉय जो लगभग हर जगह मिलता है। लोग इस ब्रांड को इतना पसंद करते हैं, एक समय ये ब्रांड इतना लोकप्रिय था कि अगर आप किसी दुकान पर जाते थे और उसे बिना बताए अगर आप साबुन मांगते थे तो वो आपके हाथ में लाइफबॉय थमाता था। लेकिन यह ब्रांड इंग्लैंड का है और क्या आप जानते हैं कि यह आइवरी के बाद दूसरा सबसे पुराना ब्रांड है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।